Now students, today we start activity 2, but before we start activity 2, I explain this chart. That is, first is the, that is the measurement of length. We study the measurement of length, the units of measurement of length. The units of measurement in weight and in capacity. There is a general table. I draw it here. That is, here is the biggest unit, that is kilo, hecto, deca, then meter, gram, liter. If we use that is the measurement of length, if we are talking, then use that is the basic unit of length is meter, and if the measurement of mass or weight we are talking, that is the basic unit of weight is gram, and then the capacity, that is the basic unit of capacity is liter. These are the short form. Meter, M is the full form, that is the meter, and G the full form is gram, and L the full form is meter. Then comes to deciliter, centiliter and milliliter. You remember this table. If we are using the measurement of length, then kilometer, hectometer, decameter, then meter, then decimeter, centimeter and millimeter. Means in ke aage meter lag jayega. If we are talking about that, the measurement of weight. Agar hum weight ki baat karenge, to yahan pe ho jayega aapka kilogram, hectogram, decagram, then gram. Decigram, centigram, milligram, means पीछे सबके ग्राम लगेगा. अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर. अगर बच्चों हम बड़े से, ये बिगर यूनिट्स हैं, बिगर से स्मॉलर की तरफ आते हैं, देन वी मल्टीप्लाई. ओके, और स्मॉलर से बिगर की तरफ आएंगे, देन वी डिवाइड. हम उसे डिवाइड करते हैं इस नंबर को. क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि हम इसमें क्या चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स. दीज आर द बेसिक यूनिट्स. ठीक है, दीज आर द बेसिक यूनिट्स. नाउ दिस इज क्लियर. अब आपको मैंने तीनों को एक साथ बताया है. ठीक है, यहाँ पे मैंने अब सेपरेट नहीं किया कि सिर्फ हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए बोल रहे हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर इस तरीके से लिखते हैं. मैंने तीनों को जनरल कॉमन लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि हर एक में ये बेसिक यूनिट के साथ उनका नाम आएगा, पीछे हमारी बेसिक यूनिट लगेगी. क्लियर? नाउ दीज थ्री यूनिट्स भी क्लियर ऑल ऑफ यू. कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए अगेन आई एक्सप्लेन क्या होगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, देन ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम, एंड इन लीटर्स, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, देन डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर. अगर हम बेटा किलोलीटर से हेक्टो में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ये सब में मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, देन मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10. रिवर्स में जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा. अगर हम किलो से डेका में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 डेका लीटर हो जाएंगे. ये 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर में बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होएंगे. अगर किलोमीटर से हम मीटर में बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर हो जाएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से हम अपनी यूनिट्स को स्पैड करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, देन वी मल्टीप्लाई एंड
and smallest to biggest come, then we divide it. Now children, you understand this? Now we start. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके कन्वर्जन समझ में आएगा हाउ वी कन्वर्ट इट. सबसे पहले यू सी हियर दैट इज किलोमीटर. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोमीटर इज KM. देन हेक्टोमीटर, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेक्टोमीटर इज HM. क्लियर? एंड द डेकामीटर, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेकामीटर इज DAM. तो यहाँ हम इसमें शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं. ये एम ले रही हूँ मीन्स की लेंथ की है. अगर यहाँ पे जी आ जाएगा मीन्स ये वेट की, मेजरमेंट ऑफ वेट की यूनिट होगी. अगर यहाँ एल आता है इट मीन्स दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की. क्लियर? तो सिर्फ मैं अभी आपको लेंथ की यूनिट में बता रही हूँ, आगे की ये सारे टर्म सब में सेम चलेंगे, बस पीछे आपका इसमें चेंज हो जाएगा. Then decimeter, this, you know the full form of these terms. Now deci, that is D, only D. Deci के लिए हम सिर्फ D लिखते हैं. अगर length unit है तो that is DM, decimeter. Clear? DM means decimeter, centimeter means cm, and millimeter means mm. Understand it? ये सब हम स्मॉल में भी इनको ले सकते हैं. H and D. Now after this start the activity 2. अब now you see the activity 2, that is question number 1. Question number 1, convert the following. इट मीन्स हमें कन्वर्ट करना है. द ए पार्ट इज गिवन दैट इज 12 किलोमीटर 400 मीटर इनटू मीटर. हाउ वी कन्वर्ट दिस, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर मीन्स बिगर यूनिट कन्वर्ट इट इनटू अ स्मॉलर वन. तो वी मल्टीप्लाई एंड द रिलेशन बिटवीन दिस टू वी नो दैट इन 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. ये हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000. नाउ इन 12 किलोमीटर 400 मीटर इज इक्वल्स टू 12 × 1000 मीटर मीन्स किलोमीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में. दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड वी ऐड 400 मीटर. वी ऑलरेडी मीटर में है दैट्स व्हाई वी ऐड. ओके, नाउ मल्टीप्लाई देन कम्स 12000 मीटर प्लस 400 मीटर एंड आवर आंसर इज 1240 meter. It means 12400 meter. Clear all of you? How we will solve it? We know that in 1 kilometer is equals to 1000 meter. We multiply 12, multiply by 1000 meter, and we add 400 in it. इसको इसमें add कर दिया. Clear? Now note down all of you. Then we start the second one. That is the B part. The B part is 45 meter 20 centimeter into centimeter. इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. How we will convert it into centimeter? Meter is the bigger unit, centimeter is the smaller unit. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी bigger unit से हमें smaller में convert करना है या smaller to bigger convert करना है. यहाँ bigger to smaller है, that's why we multiply. And what is the relation between these two? Meter और centimeter में क्या relation है?
We know that in 1 meter is equals to 100 centimeter. मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है. Now 45 meter 20 centimeter is equals to 45 multiplied by 100 centimeter. 45 किसमें मीटर में है. That's why we multiply by 100. Convert it into a centimeter. और ये सेंटीमीटर में आ गया. 220 already in centimeter में ही है. That's why we add 20 को हमने इसमें add कर दिया. Now we calculate 4500 centimeter plus 20 centimeter is equals to 4520 centimeter. It means 4520 centimeter. Students, you write the unit here. If you don't write the unit, then there is no meaning and your answer will be wrong. That's why you write the unit. In which unit you convert it? Clear? It means you convert meter into centimeter. Now the C part. The C part is, that is 15 hectometer into meter. Clear? 15 hectometer into meter. Now, students, you know the relation between hectometer and meter. You remember our table? अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप अपनी रफ में इस तरीके से टेबल लिखेंगे. टेबल सबको लर्न अप होनी चाहिए. यस करेक्ट. टेबल आपको लर्न होनी चाहिए. 15 किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, देन मीटर, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. अभी हमें सिर्फ हेक्टोमीटर और मीटर तक ही चाहिए. तो मैंने 10 10 का बताया था आपको. तो आप देखिए, इन 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. यू नो that you first you write in 1 hectometer is equals to 100 meter. आपको learn नहीं है तो आप यहाँ से इस तरीके से फटाफट table बना सकते हैं इन पे. And you see कि in 1 hectometer how many meters are there? 10 and 10, that is 100. तो in 1 hectometer is equals to 100 meters. Now very easy to solve this. 15 hectometer, convert it into meter. 15 multiplied by 100 and we convert it into a meter. Then write here, that is 1500 meter, 1500 meter. In this way we convert hectometer into meter. Now you see the B part, D part. That is 2 decameter, 45 centimeter into centimeter. Now how you convert 2 decameter into centimeter? ये already centimeter में इसलिए से convert नहीं करना. But we convert decameter into centimeter. Now again, if you don't know the relation between, yes, correct, know the relation between these two, then you write the table and see that in 1 decameter, how many centimeter? Decameter is here and centimeter is here. Means 10, 10 and 10. That is, who shows me? That is the wrong answer. Now, in 1 decameter, how many centimeters? You see, in 1 decameter, how many centimeters? That is 1000. In 1 decameter is equals to 1000. Yes. Anishka, now? Correct. It means you write that 1 decameter is equals to
1000 centimeters. Because from here you see that is 10, 10 and 10. 3 zeros are there, 10 multiplied by 10, 100 and 100 multiplied by 10. That is 1000. You write the equation this, then 2 decameter, 45 centimeter is equals to 2 multiplied by 1000 centimeter plus 45 centimeter. Our answer that is 2000 centimeter plus 45 centimeter. That is, we add 45 in this. That is 2045 centimeter. It means 2045 centimeter. Our answer comes 2045 centimeter. इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है, आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए. यस करेक्ट. नाउ नाउ स्टूडेंट्स यू सी दैट इज द ई पार्ट. द ई पार्ट इज दैट इज 7.2 ग्राम इनटू मिलीग्राम. And you know the relation between gram and milligram. That is, in 1 gram is equals to 1000 milligram. It means bigger unit, convert it into a smaller unit. Then 7.2 gram is equals to 7.2 multiplied by 1000 milligram. And our answer comes, that is 7, 2, 1, 2, 3. पहले हम decimal without decimal multiply कर देंगे, then we put the decimal here. That means your answer is